आपको कहना चाहूंगा, अभी पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और उन्होंने यहाँ पर 75,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, 75,000 करोड़। ये है महाराष्ट्र बदलता महाराष्ट्र। उसी तरीके से नेशनल रेल प्रोजेक्ट में 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया। उसी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ, इसमें 110 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया। नाग रिवर के लिए, पोल्यूशन एबेटमेंट के लिए 1925 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया। और उसी तरीके से वंदे भारत नागपुर से बिलासपुर चलाई गई, और उसी तरीके से नागपुर मेट्रो फेज वन, इसमें 8650 करोड़ रुपए खर्च करके फेज वन की शुरुआत की और 6700 करोड़ का फेज टू का शिलान्यास कर डाला। ये बदलता हुआ नागपुर खड़ा किया, ये बदलता हुआ महाराष्ट्र को खड़ा किया गया। उसी तरीके से हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का महाराष्ट्र का समृद्धि महामार्ग जो 520 किलोमीटर का है नागपुर से शिरडी, उसका भी इनॉग्रेशन किया, उसका भी उद्घाटन किया, और साथ ही साथ 701 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे के लिए 55,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। मैं ये आंकड़े गिना रहा हूं मित्रों, कोई कांग्रेसी इस तरीके से आंकड़े गिना सकता है क्या? गिना सकता है क्या? कोई बता सकता है इस तरीके से? ये मोदी जी की संस्कृति है, रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जाना। जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करके देंगे, ये ताकत पैदा हुई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और उसी तरीके से पिछले महीने की 18 तारीख को नितिन जी ने 8 नेशनल हाईवे का उद्घाटन किया, 1800 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए। महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, यह भी 492 करोड़ रुपए का, इसका भी राजनांदगांव पुणे में इसका भी अप्रूवल जो है वो अप्रूवल मिल गया है, और इसमें 2000 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस क्लस्टर में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में। और इसके साथ साथ इसमें लगभग 5000 लोगों को डायरेक्ट नौकरियां मिलेंगी और लगभग 50,000 लोगों को इनडायरेक्ट नौकरियां मिलेंगी, यह इसके विकास के साथ जुड़ा हुआ है।